हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटो वर्ल्ड। गाइस, आज हम बात करेंगे यामाहा XSR 155 के बारे में, जो 19 दिसंबर 2019 को लॉन्च होने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। लिक्विड कूल्ड 155 सीसी के सिंगल सिलेंडर इंजन में 10,000 RPM पर 19.3 BHP का पावर और 8,500 RPM पर 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक यंगस्टर को काफ़ी पसंद आने वाली है। दोस्तों, इस बाइक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और कब वेट की। दोस्तों, सीट हाइट है इसकी 810 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का और कर्व वेट दिया गया है इसका 134 kg। और दोस्तों, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 10 लीटर की। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके ब्रेक्स की, तो फ्रंट और रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक दिए गए हैं विद ABS। अभी ये कंफर्म नहीं है कि सिंगल चैनल ABS है या डुअल चैनल ABS में है। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके दोनों ही टायर्स जो हैं 17 इंचज़ के दिए गए हैं। दोस्तों, अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और रियर का मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। वहीं अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो 40-45 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसका माइलेज मिल जाएगा। टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 135 किलोमीटर पर आर के हिसाब से इसकी स्पीड दी गई है। दोस्तों, अगर शेड्स की बात की जाए तो इस बाइक में प्रीमियम ग्रे, वाइट, रेड, ग्रीन और ब्लैक, ये सभी शेड्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लाइट की। फ्रंट और रियर दोनों ही लाइट जो है वो LED में दी गई हैं। दोस्तों, कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर की अगर बात की जाए तो पिलियन फुटरेस्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और इंजन किल स्विच, ये सभी फीचर इसमें मौजूद हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये सभी इसमें आपको डिजिटल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और बाइक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।